नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आज हम बात करेंगे अजय एकादशी पे। अजय एकादशी का व्रत इस बार रखा जाएगा 29 अगस्त 2024 को। वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी जो है वर्ष में 24 बार मनाई जाती है, यानी कि हर एक महीने में दो एकादशी मनाई जाती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। और ये जो एकादशी रहेगी ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। ये रहेगी 29 अगस्त 2024 की। जो तिथि लगेगी ये लगेगी देर रात्रि 29 अगस्त 1:19 पे, और ये जो समाप्त होगी ये 30 अगस्त 1:37 पे समाप्त होगी। तो ये जो व्रत रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार 29 अगस्त को रखा जाएगा। अब इस तिथि का, इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक एकादशी जो होती है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने के लिए एकादशी तिथि का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है। और वहीं पे ये जो तिथि है अजय एकादशी, क्योंकि हर एक एकादशी एक अपना ही महत्व लेके आती है। अजय का अर्थ होता है जो अभी जन्मा ना हो, यानी कि जितने भी आपके दुष्प्रभाव हैं जो अभी जन्मे नहीं हैं, या आने वाले समय में जितने भी आपके ऊपर संकट आने वाले हैं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, उनका नाश हो सके, इसलिए अजय एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है या किसी भी अन्य प्रकार का धन से संबंधित आपको संकट सता रहा है या रुका हुआ धन जो है आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अजय एकादशी का व्रत करना बहुत ही खास रहता है। वहीं पर इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करनी बहुत खास रहती है और इसको खास विधि विधान से किया जाता है। अगर आप सत्यनारायण की पूजा आराधना कराना चाहते हैं तो वो भी इस दिन करा सकते हैं। और इसके अलावा इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी को आप पीले वस्त्र ज़रूर अर्पित करें, माता को कमल गट्टा या कमल के पुष्प अर्पित ज़रूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो कमल है वो बहुत ही प्रिय है। साथ ही साथ इस दिन जो है पीला चंदन भगवान विष्णु जी को जरूर अर्पित करें। अगर आपके जीवन में आर्थिक से संबंधित चीजों को कष्ट आ रहा है तो आप इस दिन 11 तुलसी के पौधे गुप्त दान जो है 11 तुलसी के पौधों का आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में कर सकते हैं या अन्य किसी मंदिर में आप कर सकते हैं। वहीं पर कोशिश करें कि इस दिन जो है आप केले का पेड़, अगर आपके घर में किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति से संबंधित परेशानी है या आप ये चाहते हैं कि आपको पुण्य की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो इस दिन जो है केले का वृक्ष भी आप जो है दान कर सकते हैं। मगर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसको गुप्त दान करें, यानी कि किसी को बता के ना करें, चुपचाप से इसको आप रखाएं, तो आपके जीवन में जितने भी अजन्मी परेशानियाँ हैं उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा।